इस सिलेंडर ने हमें बहुत परेशान कर दिया। मार्केट से पहले हमें गाड़ी नहीं मिल पाई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो अभी सुबह के करीब 8:30 हो गए हैं और मैं रेडी हूँ मार्केट जाने के लिए। आज मार्केट में थोड़ा बहुत काम है मेरा और मम्मी का, तो हम जा रहे हैं मार्केट। फ़िलहाल मैं रेडी हो गया हूँ, एकदम मस्त सी धूप लगी हुई है और आज का व्लॉग भी मैं अपने गांव से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल नाश्ता करते हैं, पहले रेडी तो हम हो ही गए हैं, तो 9 बजे गाड़ी जाएगी हमारे गांव से, तो तब तक नाश्ता करते हैं। मम्मी भी रेडी हो गई है और एक बार आज का मौसम का फोरकास्ट दे देते हैं आपको। तो अभी मस्त सी धूप लगी है कल की बारिश के बाद और आसमान में सफ़ेद और नीले बादलों का कॉम्बिनेशन है और फ़िलहाल हम नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। अभी नाश्ता करके हम निकल चुके हैं, मैं और मेरी मम्मी घर से हम निकल चुके हैं। देखते हैं स्टेशन पे गाड़ी होगी कि नहीं। तो मम्मी भाभी को बोल रही है कि अभी ना उसका ख्याल रखना, एक दादी का प्यार अपने पोते के लिए। तो आजकल ना गाड़ी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे गांव की, कभी जाती है कभी जाती नहीं है और आधा से ज़्यादा दिन तो रोड ही बंद रहते हैं, तो कहाँ से जाना। फिलहाल हम निकलते हैं स्टेशन की ओर। तो अभी हम पहुंच गए हैं मेन मार्केट में और पहले थोड़ा बहुत काम निपटा लेते हैं। तो अभी बैंक का काम हमारा हो गया है। फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं अपने रूम पे पहुंच चुका हूं और अभी तक मैंने थोड़ा रूम की साफ़ सफाई करी। माँ भी मेरे साथ है और मार्केट में बहुत टाइम लग गया हमें क्योंकि बैंक में काफ़ी सारी भीड़ थी और बैंक से पहले हम और जगह गए थे, वहां हमारा काम नहीं हुआ। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कब हमारे गाँव से मैम लोगों वाली गाड़ी आए और हम उस पर घर जाए, क्योंकि हमें यहाँ से सिलेंडर भी लेके जाना है। घर का सिलेंडर खाली हो रखा है, तो यहाँ पर 2 सिलेंडर है, उसे हमें भरवा के ले जाना है घर पर। तो अभी आप हटाने वाले हैं क्योंकि यहाँ रूम से वहाँ दूर तक ले जाना है पहले खाली सिलेंडर, वहाँ से तो खैर गाड़ी पे ले जाएंगे और हमारे पास सामान भी है। तो अभी तक मैंने रूम की साफ़ सफाई करी क्योंकि बहुत दिनों के बाद आया था ना मैं यहाँ पे, तो काफ़ी गंदा हुआ था। तो फिलहाल अभी रूम चकाचक कर दिया। तो अभी हम घर में पहुँच चुके हैं और देखो साहिल आज बहुत दिनों बाद व्लॉग में, वो भी सिलेंडर ले जाता हुआ, अभी वो स्कूल से आ रहा है और हमें नीचे पे मिला। तो मार्केट में तो मैंने कुछ सूट करा नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। तो ये है हमारा मक्के का खेत जो कि घर में है और ये हमारा पुराना वाला घर जो कि अब टूट गया है पूरी तरह। तो यहाँ से हम मक्का ले जाएंगे, वैसे हम एक दिन पहले लेके गए थे लेकिन अभी भी यहाँ थोड़ा बहुत है, तो बाद में लेता बॉल कुछ बूंद उचा दे। तो यहाँ तक साहिल और ताऊजी लाए थे सिलेंडर को और यहाँ से मम्मी ले जा रही है दीपे, क्योंकि अब हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं यहीं पे है। तो यहाँ से बिल्कुल चढ़ाना है हमारे घर के लिए क्योंकि हमारा घर ऊपर पे है और अभी हम यहाँ पे हैं। तो यहाँ से मम्मी ले जा रही है, यहाँ तक साहिल लोगों ने लाया था जित दिया अब। तो आज इस सिलेंडर ने हमें बहुत परेशान कर दिया मार्केट से, पहले हमें गाड़ी नहीं मिली, पहले सिलेंडर ही नहीं मिला, तो बड़ी मुश्किल से सिलेंडर मिला तो गाड़ी ही नहीं मिली, तो बड़ी मुश्किल से हमने इसे घर में पहुंचाया। फिलहाल घर में पहुंच लेते हैं।
तो अभी हम अपने घर पे पहुंच गए हैं थोड़ी देर पहले, और अभी हमने चाय वगैरह पी ली है, गैस भी फिट कर लिया सिलेंडर। और अभी तक ना मौसम बारिश वाला बना हुआ था जब हम आ रहे थे, अभी बादल छंट रहे हैं और वहाँ पे देखो बिल्कुल कितने सारे काले बादल हैं। तो सामने का व्यू कितना अच्छा आ रहा है, एकदम मस्त सा नीला और सफ़ेद और काले बादलों के साथ, एकदम मस्त मस्त सा। तो ये है हमारा ग्राउंड जहाँ हम बचपन में खेलते थे, और अभी यहाँ पे बहुत सारे गाय और भैंस हैं, और कुछ पशु, कुछ गाय तो वो चले गए हैं, और आधे से ज़्यादा जा रखे हैं हमारे खेत में जहाँ हम जा रहे हैं अभी, मैं और साहिल। और ये वो लोकेशन थी जहाँ पे हमने अपनी सबसे पहले कॉमेडी वाली वीडियो बनाई थी, बॉडाई जी की चिट्ठी, और उसमें साहिल भी था। तो साहिल और मैं जा रहे हैं अभी उन गाय भैंस को भगाने के लिए। और ऊपर है नरसिंह की धार जहाँ पे मैं नेट चलाने आता हूँ, और वहीं पे मैं नेट चलाता हूँ। शायद इस वीडियो को भी मैं वहाँ से अपलोड करूँ, क्योंकि आज मैं मार्केट से आ गया और अब पता नहीं कब जाना होता है मार्केट फिर से। तो अभी मैं और साहिल जा रहे हैं भाभी जी के खेत में, साहिल की चाची, उन्होंने बोला है कि हमारे खेत में मैंने ककड़ी बो रखी है, तो ककड़ी की बेल देखने जा रहे हैं हम। और यहाँ देखो झंगोरे की खेती कितनी बड़ी हो रखी है, और अभी हमें वो गाय को भगाने भी जाना है जो हमारे खेत में उजाड़ जा रखे हैं। और यहाँ पे देखो ये है कौनी, और ये झंगोरे से बहुत बड़ी हो रखी है। तो ये वाले तो हमारे धान वाले खेत हैं, लेकिन किसी किसी ने यहाँ पे झंगोरा भी बो रखा है, तो ये झंगोरा बहुत बड़ा है, और यहाँ पे काफ़ी सारी झाड़ी है, तो हमें संभल के चलना है। तो ये रहा ये एक बैल और एक गाय जिन्होंने हमारे धान के खेत सारे बर्बाद कर दिए, तो ये बच्चा उसे भगा नहीं पा रहा था, तो मैं थोड़ा उसकी मदद करने आया हूँ क्योंकि हमारा ही खेत है, और इन्होंने सारा बर्बाद कर दिया। अभी अभी वो आए थे और मतलब उन्होंने उतना खाया नहीं जितना बर्बाद कर दिया इधर उधर भाग के। और रात को सूअर फसल को बर्बाद कर रहा है, और दिन में ये गाय भैंस। तो शायद देखो उस बैल को क्या भगा। तो अभी हम गांव के सबसे दूर वाले घर पे आ रखे हैं, और यहाँ से हमारे गांव का व्यू ऐसा है, और अभी देखो सनसेट भी होने ही वाला है, वहाँ पे देखो सूर्य है। और इस मस्त हरे भरे नज़ारे के साथ आए थे हम ककड़ी ढूंढने, तो यहाँ हमें ककड़ी ज़रूर मिलेगी क्योंकि इनकी बहुत सारी ककड़ी है ना साहिल। तो देखते हैं, अभी ताई जी आ गई है, पूछते हैं उनसे। खेत में तो हमें ककड़ी मिली नहीं, वो तो हमने काफ़ी ढूंढी, और जिस घर में हम गए थे ताई जी औरों के वहाँ, उन्होंने हमें ये छोटी छोटी ककड़ी दी। लेकिन पहाड़ी ककड़ी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, काफ़ी स्वादिष्ट होती है ना साहिल। एक साहिल के पास है, और अभी हमने अखरोट भी खाए। तो अभी हम वहाँ से आ गए हैं, शाम के करीब 6 बजने वाले हैं। तो ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपने ब्लॉग पूरा देखा होगा, और अगर आपने देखा है और आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और जो चैनल पे नया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में, नई बातों के साथ और नई यादों के साथ। तब तक के लिए चैनल से जुड़ी रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए।